कुमार अब से। दोस्तों जिस तरह आपने बाकी की मेरी कविताओं को अपना प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों आज आपके सामने रूबहू होने का ये अवसर मिला। दोस्तों आज आपके लिए और एक प्यारी सी कविता लेकर आया हूँ मैं, जिसका शीर्षक है किराए का घर। दोस्तों अक्सर हम जब अपने घर को छोड़कर दूसरे जगहों पर रहने जाते हैं तो हमें जिन स्थानों पर रहते हैं उन स्थानों पे हमें क्या अनुभव होता है, उन्हीं अनुभवों को मैंने इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। तो दोस्तों किराए का घर। किराए के एक छोटे से कमरे में, किराए के एक छोटे से कमरे में बेड के बगल में कूड़े का अंबार लगता है। किराए के एक छोटे से कमरे में बेड के बगल में कूड़े का अंबार लगता है। तेज नहीं बोलना है साहेब, तेज नहीं बोलना है साहेब, ऊपर मकान मालिक का परिवार रहता है। तेज नहीं बोलना है साहेब, ऊपर मकान मालिक का परिवार रहता है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल न करना, ज़्यादा पानी इस्तेमाल न करना, मकान मालिक का यह अत्याचार रहता है। उनकी बेटी के सामने से अनजाने से भी गुजर जाना, उनकी बेटी के सामने से अनजाने से भी गुजर जाना, किराएदार का यह बहुत बड़ा अपराध होता है। किराए के एक छोटे से कमरे में बड़े बेड के किनारे कूड़ों का अंबार होता है। चाहे आपकी योग्यता कितनी भी हो, आपको कुछ भी बोलने का ना अधिकार होता है। चाहे आपकी योग्यता कितनी भी हो, आपको कुछ भी बोलने का ना अधिकार होता है। चाहे बुद्धिहीन ही क्यों ना हो मकान मालिक, लेकिन वो होशियार होता है। देर से रूम पर आना नहीं यह सबसे पहला फरमान होता है। देर से रूम पर आना नहीं यह सबसे बड़ा फरमान होता है। माह पूर्ण होने से पहले ही, माह पूर्ण होने से पहले ही किराए के लिए यलगार होता है। कितना भी शरीफ हो किरायादार, कितना भी शरीफ हो किरायादार, मगर मकान मालिक के लिए वो बेकार होता है। मगर मकान मालिक के लिए वो बेकार होता है। कुछ तो इंसान भी नहीं समझते हैं, कुछ तो इंसान भी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके लिए किरायेदार केवल एक धन पाने का आधार होता है, क्योंकि उनके लिए किरायेदार एक धन पाने का आधार होता है। दोस्तों यदि आपको मेरी ये कविताएं पसंद आ रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक ये सब्सक्राइब ना किया हो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।